बिलासपुर में कांग्रेस सेवा दल की तिरंगा यात्रा का कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शुभारंभ किया। इस दौरान शहीद स्मारक में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को पुष्प अर्पित किए व 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बिलासपुर में कांग्रेस सेवा दल की तिरंगा यात्रा का कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शुभारंभ किया। इस दौरान शहीद स्मारक में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी व 2 मिनट का मौन रखा। इसके अलावा देश की रक्षा करने वाले शहीदों के परिजनों एवं योद्धाओं को भी सम्मानित किया। वहीं दूसरी ओर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जमकर मोर्चा खोला। उन्होंने ऐलान किया कि शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेगी। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल सियोंजक पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा ने प्रदेश तिरंगा यात्रा के उद्देश्य से अवगत करवाया। 75 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे और कांग्रेस पार्टी के संदेश को, हमारी विचारधारा को आम जन तक पहुँचाएंगे। तो केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार की जन विरोधी नीतियाँ उनका पर्दाफाश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो इन सेनानायकों ने युद्ध में बलिदान दिए, उन सेनानायकों को अभी भी सम्मानित किया गया। अभी जब कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, रास्ते में भी जो है हमारे जो नायक हैं जो युद्ध के मोर्चे पे लड़ते हैं, उनका जो है हमारा सेवा दल जो है उनका सम्मान करेगा। और यहाँ से ये यात्रा का समापन हमीरपुर में होगा। अभी मैंने फ्लैग ऑफ किया है। मैं इस तरफ से सेवा दल को बधाई देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। भविष्य में कांग्रेस पार्टी जो है पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पदयात्राओं का आयोजन करेगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम पार्टी कार्यालय से बाहर निकलकर आम जन तक पहुँचे और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएँ और इस सरकार की कुनीतियों को हम बेनकाब करें। मुझे ये लगता है कि इस वक्त देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना चाहती है। जिस तरह से एक के बाद एक राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर रहे हैं, राजस्थान में हम चुनाव जीते, हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीते, हम छत्तीसगढ़ में हम चुनाव जीते, जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का मन बनाया था। तो शायद उन्हें ये लगा कि कांग्रेस पार्टी सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने वोट जो है आपको दिया। ये हमें इस बात का निश्चित तौर पे दुख है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन जो भी कमियां दिल्ली में रही हैं उनको आने वाले वक्त में जो है दूर किया जाएगा। जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि संगठन में त्रुटि है, उस त्रुटि को हम दूर करने का प्रयास जो है कर रहे हैं।